हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आज आपके लिए न्यू नर्सिंग एंड पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ, जिसको निकाला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या पोस्ट होने वाली है और कितनी पोस्ट होने वाली है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूलिए फ्रेंड्स। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वैकेंसी को निकाला है पूर्वोत्तर सीमा रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। अलीपुर द्वार जंक्शन के हॉस्पिटल के लिए होने वाली वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, यानी जो ये वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे होने वाली वैकेंसी है। रेलवे की वैकेंसी है तो इसमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा और यहाँ जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है वो प्राइमरी तौर पर 31/3/2020 तक रहेगा, या फिर जब तक इस स्कीम के तहत आपके पास परमानेंट एम्प्लॉय नहीं आ जाते हैं तब तक आपकी जो अगर सेवाएं अच्छी रहती है तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है वो चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट क्या क्या है और कितनी पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले नंबर वन पे दिया गया नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ये स्टाफ नर्स या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर है उसी की पोस्ट है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नाम देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 9 होने वाली है और पेमेंट है वो पे लेवल 7 के अनुसार 44,900 रुपये पर मंथ पेमेंट है वो दिया जाएगा, अच्छा पेमेंट दिया जाएगा। डेट एंड टाइम दिया गया है इंटरव्यू के लिए, वो दिया गया है 15 जुलाई 2019 सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू होने वाला है। कहाँ होने वाला है? CMS ऑफिस अलीपुर द्वार जंक्शन रेलवे हॉस्पिटल, यानी अलीपुर द्वार जंक्शन की जो रेलवे हॉस्पिटल्स है वहाँ का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। दूसरी पोस्ट है अब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की थोड़ी सी आगे बात करेंगे। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है जहाँ पर 2 वैकेंसी है, इनका भी 15 जुलाई को इंटरव्यू होने वाला है। लेब असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, इनका भी 15 जुलाई को, और वही सेम वेन्यू रहने वाला है, सेम टाइमिंग रहने वाली है। और फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट है और ECG टेक्नीशियन की भी 1-1 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है और 15 जुलाई को ही CMS ऑफिस अलीपुर द्वार जंक्शन रेलवे हॉस्पिटल्स में आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब इन्होंने लिखा है कि फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स ज़्यादा होने पर आपका इंटरव्यू है वो नेक्स्ट डे भी किया जा सकता है। तो आपको इस तरह से आना है कि आप 1 या 2 दिन रुकने की वहाँ पर व्यवस्था कर सके, तो अपने लेवल पर रुकने की व्यवस्था करते हुए आपको आना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसमें लिखा है कि 3 साल का जिन्होंने GNM डिप्लोमा और नर्सिंग मिडवाइफ किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। एज की बात कर लेते हैं तो 20 साल से मिनिमम और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की छूट यानी 45, और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 साल यानी 43 तक के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और सीधा वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन होने वाला है। दूसरी जो मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर लेब असिस्टेंट फार्मासिस्ट और ECG टेक्नीशियन है उनमें भी संबंधित क्षेत्र का जो डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इंटरव्यू के लिए 15 जुलाई 2019 को ही जाना है। कहाँ जाना है वो मैंने बता दिया है। अब अपने देख लेते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए जाने के लिए क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो नीचे फॉर्मेट दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ऑफिशियल साइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और यहाँ पर आपको ऑफिशियल साइट बता भी दे रहा हूँ, घेरे में आपको ऑफिशियल साइट दिखा देता हूँ। वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, फुल्ली फिलअप कर लेना है और सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ लेके जाना है। साथ ही साथ 2 फोटोकॉपी के सेट्स भी आपको लेके जाने हैं फॉर्म के साथ अटैच करके, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं और आपको सीधा इंटरव्यू के लिए सुबह 10 बजे पहुंच जाना है। अलीपुर द्वार का जो रेलवे जंक्शन है वहाँ की जो सिविल हॉस्पिटल्स है वहाँ पर चले जाना है। रेलवे की जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप
सिलेक्शन होता है तो आपकी जॉब हो सकती है। गेरे में आपको www.nfrindiarailways.gov.in है ये साइट दिखाई दे रही है, इसी साइट से आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।